जहरीली शराब प्रकरण में राष्ट्रीय लोकदल पार्टी का एक प्रतिनिधि मंडल आज जिलाधिकारी प्रभु नारायण सिंह से मिला, जहां उन्होंने मृतक परिजनों को 10-10 लाख रुपए मुआवजे के रूप में दिए जाने की मांग उठाई। इस संबंध में रालोद नेताओं ने जिलाधिकारी पीएन सिंह को एक ज्ञापन भी सौंपा, जिसमें उन्होंने गांव में जिला पंचायत द्वारा स्कूल फार्म की जमीन पर बनाए जा रहे गेस्ट हाउस के निर्माण को रोकने की भी मांग की। डीएम से मुलाकात के दौरान रालोद नेताओं ने गेस्ट हाउस की जगह पर कन्या विद्यालय बनाने की मांग उठाई है। राष्ट्रीय लोकदल के प्रतिनिधि मंडल को डीएम ने उचित कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। ज्ञापन देने वालों में जिलाध्यक्ष कुसुम चाहर, प्रदेश प्रवक्ता कप्तान सिंह चाहर, युवा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ब्रजेश चाहर, मंडल अध्यक्ष नरेंद्र बघेल, पूर्व विधायक कालीचरण सुमन और दिलीप चौधरी सहित तमाम प्रधान और कार्यकर्ता मौजूद रहे।